हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबको एक पोम एक्सप्लेन करूँगी जिसका टाइटल है स्पेलिंग, रिटन बाय मार्गरेट एटवुड। और ये जो पोएम है वो एक रिलेशन के बारे में, एक औरत के रिलेशन उसके सेक्स और प्रोफेशन से, क्योंकि जिस टाइम के अराउंड ये पोम लिखा गया था, अराउंड 1981, उस टाइम वुमेंस को इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करें। लोग यही सोचते थे कि उनको फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए, एक माँ बन के बच्चे को संभालना चाहिए। तो इस पोम में वर्ड्स के पावर को बताया गया है कि वर्ड्स में भी कितना ज़्यादा पावर होता है, और कन्फ्लिक्ट बताया गया है राइटिंग और मदरहुड में कि माँ बनने के बावजूद लिखना और एक प्रोफेशन संभालना कितना टफ है। सो लेट्स स्टार्ट विद, आते हैं फर्स्ट स्टैंजा पे। माय डॉटर प्लेज ऑन द फ्लोर विद प्लास्टिक लेटर्स रेड ब्लू एंड हार्ड येलो, लर्निंग हाउ टू स्पेल, स्पेलिंग हाउ टू मेक स्पेल्स। तो इस पोम के फर्स्ट लाइन से ही हमें पता चल जाता है कि जो पोएट है, जो नरेटर है, वो अपने मदरहुड फेस में है लाइफ के, जहाँ वो एक बेटी की माँ है। पोएट ये बताती है कि उनकी जो बेटी है वो प्लास्टिक लेटर्स के साथ खेल रही है, जो प्लास्टिक के छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स आते थे उनके साथ खेल रही है, जिनके कलर बताती है वो रेड ब्लू येलो कलर के। तो ये जो रेड ब्लू और येलो है, ये हमें स्टार्टिंग से पता है कि ये थ्री प्राइमरी कलर्स है और इन्हीं से दूसरे कलर्स बनते हैं। और ये पोएम कहीं ना कहीं एक मेटाफर है, इसके थ्रू हमें बहुत कुछ बातें पता चलेंगी आगे। तो इन कलर्स के थ्रू भी एक मेटाफर बताया गया है कि उनकी जो बेटी है वो अपने लाइफ के बेसिक्स सीख रही है, धीरे धीरे अल्फाबेट सीख रही है, उसके लाइफ की स्टार्टिंग हो चुकी है। उसके बाद के लाइन में पोएट बताती है लर्निंग हाउ टू स्पेल, स्पेलिंग एंड हाउ टू मेक स्पेल्स। तो इसमें क्या होता है, जो पोएट है वो एक विमेन के लाइफ के स्टेजेस के बारे में बताती है, जो तीन स्टेजेस होते हैं। पहले जब एक बच्ची होती है वो एक वर्ड को स्पेल करना सीखती है, कैसे कोई वर्ड बोला जाता है, लाइक मामा पापा, तो ये सीखते हैं बच्चे पहले। उसके बाद आता है एक विमेन के लाइफ का सेकेंड स्टेज, जहाँ वो उन वर्ड्स के स्पेलिंग्स को सीखती है कि इस फादर का स्पेलिंग क्या होता है, मदर का स्पेलिंग क्या होता है। और जब वो एजुकेटेड हो जाती है तो इसमें लास्ट में लिखा है हाउ टू मेक स्पेल्स। अब यहाँ पे जो स्पेल्स है, इसका मतलब है विच क्राफ्ट, यानी कि थोड़ा काला जादू टाइप। तो कहीं ना कहीं ये औरत के लाइफ का थर्ड फेज बोलते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ये सोचते थे कि जो औरत होती है, जो विमेंस होती है, वो लोगों पर, मर्दों पर विच क्राफ्ट करती है, काला जादू करती है मर्दों को अपने वश में लेने के लिए। आई वंडर हाउ मैनी वीमेन डिनाइड themselves daughters, क्लोज themselves इन रूम्स, ड्रू द curtains सो दे could मेन लाइन words। इन लाइन्स में जो पोएट है वो औरतों के, विमेंस के कंडीशंस के बारे में बताती है। पोएट के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है, बहुत सारी ऐसी विमेंस है जो मदरहुड से पीछे हट जाती है, जो बेटियां नहीं चाहती, जो बच्चे नहीं चाहती, वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है, पर्दे लगा देते हैं, कर्टेंस लगा देते हैं, कोई उनको देख ना पाए, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए कि वो, क्योंकि वो लिखना चाहती है, वो राइटर बनना चाहती है। तो इन लाइन्स में पता चलता है कि सोसाइटी में रहते हुए एजुकेटेड विमेंस जो है उनको कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है सोसाइटी की वजह से। अ चाइल्ड इज़ नॉट अ पोम, अ पोम इज़ नॉट अ चाइल्ड, देयर इज़ नो ईदर और। तो इन तीन लाइन का मतलब ये है कि मदरहुड भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती है, या तो एक औरत अपने बच्चे को संभाले या फिर वो लिख ले, क्योंकि एक बच्चे को संभालना और वहीं पे अपने प्रोफेशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे एक औरत के, एक विमेन के स्ट्रगल के बारे में बोला है कि एक विमेन को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है अपने प्रोफेशन और मदरहुड को स्टेबल रखने में, बैलेंस रखने में। आते हैं स्टैंजा नंबर 3 पे। आई रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ द विमेन कॉट इन द वॉर एंड इन लेबर, हर थाइज टाइड टुगेदर बाई द एनिमी सो शी कुड नॉट गिव बर्थ। तो इन लाइन्स में पोएट एक तरीके के होलोकॉस्ट के बारे में बताती है, जहाँ जो विमेंस थी उनको पकड़ा जाता था, कैप्चर करके उनको टॉर्चर किया जाता था, जिससे कि उनके बच्चे अबॉर्ट करवा दिए जा सके, और जिससे कि उनको बच्चा पैदा ही ना हो तो उन विमेंस के थाइस को, पैरों को एक साथ बांध दिया जाता था, और उससे इनको इतना ज़्यादा पेन होता था कि उन विमेंस की मौत हो जाती थी। एंसेस्ट्रेस
The burning witch, her mouth covered by leather to strangle words. A word after a word after a word is power. सो अगर हम एंसेस्टर्स द बर्निंग विच, ये तीन लाइंस अगर हम एज अ मेटाफर देखें तो इसका मतलब होता है कि जो एजुकेटेड वुमेन्स होती है सोसाइटी में, उनकी आवाज़ को लोग जो है सोसाइटी जो है वो मार देती है, उनकी आवाज़ को उठने नहीं देती, और जो वुमेन्स है वो अपनी आइडियाज़ नहीं बना पाते. और पोइट यहाँ पे एक्चुअल में एग्जांपल देती है मैरी वेबस्टर का, जिसको सोसाइटी ने अक्यूज़ किया था क्योंकि वो विच क्राफ्ट करती है, वो काला जादू करती है, जस्ट बिकॉज़ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी. क्योंकि मैरी वेबस्टर ने अपना वॉइस रेज किया था तो उनके मुंह को बांध दिया गया था लेदर के साथ, उनके मुंह को पूरा पूरा लेदर से कवर करके दिया गया था कि वो कभी भी बोल ना पाए. और उनको बचा तो लिया गया था, बट कहीं ना कहीं उनके एज के जितने भी मेन थे, जितने भी आदमी थे, उन्होंने हमेशा पूरी लाइफ मैरी वेबस्टर को टॉर्चर किया है. तो यहाँ पे पोएट यही बताती है कि वुमेन्स को कितना ज़्यादा ऑपरेशन फेस करना पड़ता है किसी भी तरह अपने एज के थ्रू बचने के लिए. सोसाइटी कितना दबाती है उनको और उनके टैलेंट को, उनको आइडियाज़ क्रिएट नहीं करने देती. बट कहीं ना कहीं पोएट ये भी बताती है, अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड इज़ पावर. यानी कि अगर सारी फीमेल पावर एक साथ आ जाए तो उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं हो सकता. जो वुमेन्स बहुत एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा लिटरेट है, उनकी लिटरेसी ही उनका मेजर पावर है. और यही पावर अगर वो एक साथ सब मिल जाए, सारी लिटरेट वुमेन, तो कहीं ना कहीं वो सारे मेन को दबा सकती है नीचे कि वो उन पे दोबारा से टॉर्चर ना कर पाए. आते हैं स्टैंजा नंबर 4 पे. एट द पॉइंट वेयर लैंग्वेज फॉल्स अवे फ्रॉम द हॉट बोन्स, एट द पॉइंट वेयर द रॉक ब्रेक्स ओपन एंड डार्कनेस flows out of it like blood, at the melting point of grey night when the bones know they are hollow and the word splits and doubles and speaks the truth and the body itself becomes a mouth. This is a metaphor. तो इस वाले stanza में poet बताती है जो कि एक कड़वी सच्चाई है कि women's की क्या condition है society में उस time पे. writer के according जो वुमेन्स को वो एज अ विच पॉइंट करती है कि वो चुड़ैल, वुमेन्स को जला दिया जाता था उनके वर्ड्स के साथ कि वो कभी अपने मुंह से कोई पावरफुल वर्ड ना निकाल पाए, कभी अपनी वॉइस ना रेज कर पाए. उनके जो इमेजिनेशंस थे वो खून की तरह बह जाते थे, ऐसा लगता था जैसे वॉल्केनो से पत्थर बाहर बाहर निकल रहे हो, वैसे ही उनकी बॉडी से भी उनके जो इमेजिनेशंस थे खून की तरह बाहर आ जाते थे. जब यहाँ पे जो बोन्स को बोला गया है, बोन्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है वुमेन के सफरिंग को, वुमेन्स का जो सफरिंग है उसको बोन राइटर ने बोला है कि जब ऐसा लगता था कि हड्डियाँ अंदर से खोखली हो गई है और जहाँ वुमेन्स की जो आइडियाज़ है उनको पूरी तरह मार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये खोखली हड्डियाँ ही ऐसा लगता था एक मुँह का काम कर रही है और सारी बातें बाहर आ रही है. ये जो वुमेन्स जो सफ़र करती है ना, इतना दब जाती है, इतना टूट जाती है, तब ऐसा लगता है कि तब उनके पास कुछ बचता नहीं है और सफ़र करने को, इसलिए तब वो अपना मुंह खोलना स्टार्ट करती है, तब वो बोलना शुरू करती है, वॉइस रेज करती है. तो कहीं तो पोएट इन हड्डियों को एज अ मेटाफर यूज़ कर रही है ये बताने के लिए कि कैसे औरतों के टैलेंट को इतना ज़्यादा दबा के रखा जाता है, उनको इतना तोड़ दिया जाता है अंदर तक कि वो कभी अपनी वॉइस ना रेज कर पाए, पर जब एक औरत पूरी तरह टूट जाती है तब उनकी सफरिंग ही उनके लिए एज ए वर्ड का काम करती है और चिल्लाती है बोल के कि वुमेन के टैलेंट को, उनकी आइडियाज़ को कैसे दबाया जा रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा. आते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा पे जो कि स्टैंजा 5. How do you learn to spell blood, sky and the sun? Your own name first, your first naming, your first name, your first word. इस लाइन से मतलब है कि तुमने स्पेल करना कैसे सीखा. यहाँ पे स्पेल के दो मतलब हो सकते हैं. पहला ये मतलब कि तुमने कैसे सीखा वर्ड्स को लेटर, मतलब लेटर्स में फॉर्म करना, किसी नाम को उसके लेटर्स को तुमने कैसे सीखा. और अगर मेटाफोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें कैसे तुम स्पेल करके दूसरों पे अपना इम्प्रेशन जमाते हो. तो यहाँ पे फिर पोएट दोबारा पूछती है कि तुमने कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, कैसे तुम्हें पता चला ये खून है, ये ब्लड है, ये स्काई है, ये सन है.
वो ये बताती है कि सबसे पहली बात तो ये है, एट द एंड कोई भी अपने आप नहीं आता, फिर चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो वुमेन हो, जो हमारा पहला नाम है वो किसी और से ही हमको मिलता है। तो वैसे तो ये देखा जाए कि जो ये पोएम है वो स्टार्ट तो सिर्फ वुमेन्स को लेके हुआ था कि वुमेन को कैसे ऑप्रेस किया जाता है सोसाइटी में, कैसे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। बट इस पोएम के एंड में ये देखा जा रहा है कि राइटर हर जेंडर के लिए बहुत कंसर्न है, फिर चाहे वो मेन हो या वुमेन, वो सबको लेके एक ही बात बोल रही है कि सब ने कहीं ना कहीं से सब कुछ सीखा है, तो किसी को भी ज़्यादा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं सुपीरियर हूँ तुम इन्फीरियर हो। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आ गया हो। आते हैं इस पोएम के मेजर थीम पे। पोम का जो मेजर थीम है वो उसके एक लाइन में ही है, अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड इज पावर। तो इस पोम में नरेटर मेजर काइंड्स ऑफ पावर एक्सप्लेन करती है अलग अलग पावर के बारे में। पहला पावर है लिखने या फिर स्पेल करने का पावर, या फिर उन वुमेन्स को लेके है जो कि ये ऑप्ट करती है कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगी, जस्ट कि वो अपना राइटिंग का जो प्रोफेशन है वो कंटिन्यू कर पाए। ये भी एक पावर है जो वुमेन इन चीज़ों के अगेंस्ट में जा रही है। उसके बाद कैरेक्टर का पावर बताते हैं कि कैसे आवाज़ वॉइस में ही पावर होता है, जो वॉइस रेज करती है। पावर ऑफ वर्ड्स इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन हु ऑफन हैव दिस पावर टेकन अवे, क्योंकि सबको पता है कि वॉइस में पावर है, औरतों के हाथ में ही पावर होता है अपने प्रोफेशन को लेके। कई बार लोग क्या करते हैं, उनका ये पावर उनसे छीन लेते हैं। बट अगर सारी लिटरेट वुमेन, जितनी भी एजुकेटेड वुमेन हैं, वो एक साथ मिल जाए तो उनके उनका पावर उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। आई होप आपको ये पोम समझ में आ गया हो। सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।